भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ईएसीपीएम एक स्वतंत्र और गैर संवैधानिक संस्था है जो भारत सरकार को खासतौर पर प्रधानमंत्री को आर्थिक मसलों पर सलाह मशवरा देती है। उन्होंने एक नई स्टडी शेयर की है। इसके मुताबिक भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदू की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। जैन और पारसियों की संख्या भी कम हुई है, वहीं मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध और सिखों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ईएसीपीएम की एक स्टडी से पता चला है कि भारत में 65 साल के दरमियान हिंदुओं की आबादी कम हुई है। देश में 1950 और 2015 के दरमियान बहुसंख्यक धर्म वाले हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि कई पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। स्टडी के मुताबिक भारत में हिंदू आबादी कम हो गई है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध और सिखों समेत अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। हालांकि इस दौर में जैन और पारसियों की संख्या में भी कमी आई। 1950 और 2015 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है, ईसाइयों में 5.38%, सिखों में 6.58% और बुद्धों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। स्टडी के मुताबिक 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी, 2015 तक ये घटकर 78% हो गई है। इस दौर में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.9% हो गई है। म्यांमार के बाद भारत अपने पड़ोसी देशों में दूसरे नंबर पर है, जिसकी बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। म्यांमार में 10% और भारत में 7.8% बहुसंख्यक आबादी घटी है। भारत के अलावा नेपाल में बहुसंख्यक समुदाय यानी हिंदू की आबादी में 3.6% की गिरावट देखी गई है। इस स्टडी की रिपोर्ट मई 2024 में जारी की गई थी। इसमें दुनिया भर के 167 देशों की स्टडी की गई है। स्टडी के लेखकों का कहना है कि डेटा के तजजिए से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित है बल्कि जनसंख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज़।